तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं इफ फॉर्मूला, राइट। इफ फॉर्मूला जो कि हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे, और इफ के साथ हम लूप को भी पढ़ेंगे। तो लूप और इफ फॉर्मूले की आज हमारा टॉपिक है। मैंने रिकॉर्डिंग अलाउ कर दिया आप लोगों को, आप लोग उसको रिकॉर्ड कर सकते। तो हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले डिस्कस करेंगे इफ लूप की, उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे। प्लीज म्यूट कर लें आप लोग। तो लूप, सबसे पहले हम बात करते हैं लूप क्या होता है। जैसे एक छोटा सा फॉर्मेट मैं यहां बना रहा हूं कि नेम, यहां पे नहीं, यहाँ पे सिटी, सिटी और यहाँ अमाउंट, एक छोटा सा फॉर्मेट है एक छोटा सा स्टिकर मैं बना रहा अब मुझे क्या करना होता है कि इनको कॉपी करके एक जगह पेस्ट करना होता है। जैसे मुझे इसको प्रिंट आउट चाहिए होता है, तो मुझे 10 चाहिए होता है तो मुझे 10 प्रिंट देना पड़ता है, 15 चाहिए होता है 15 को पेस्ट करना होता है। मतलब कि जितनी जरूरत उतना हम कॉपी पेस्ट करते हैं। जब मुझे 5 की जरूरत है तो मैंने यहाँ पे एक के नीचे एक 5 कॉपी पेस्ट कर दी। तो ये काम मैं वीवी के थ्रू चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बार बार करना ना पड़े, कुछ ज्यादा जब आता है तो दिक्कत हो जाती है। तो इसके लिए चलिए हम VBA माइक्रो में हम अपनी प्रोग्रामिंग को करते हैं। ठीक है, तो VBA माइक्रो की प्रोग्रामिंग करेंगे हम मॉड्यूल्स में। हम सब्जेक्ट, हम यहां पे लूप की पहली कंडीशंस करेंगे। अब यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं लूप में कि हमें पहले क्या करना है, इसको कॉपी करना, राइट। तो मैं फिक्स, मान लीजिए आपका फिक्स नहीं होगा तो आप अपना सिलेक्शन मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, A1 से लेके C5। तो रेंज यहाँ पे हम देते हैं A1 से लेके C5 डॉट कॉपी, मतलब तो यहां पे हमें हो गया। अब मुझे पेस्ट करना है, तो पेस्ट करने का कोड क्या होता है, होता है कि रेंज A65000 डॉट एंड, और फिर यहां पे हम देते हैं एक्सलेस ऑफ डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट पेस्ट स्पेशल। तो एक पेस्ट स्पेशल हमने कर लिया यहां, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहां पे आता है कि मुझे जो 5 बार पेस्ट करना है, तो अगर हम लूप का इस्तेमाल ना करें तो मुझे इसको कॉपी करके मुझे इसको 5 बार पेस्ट करना है। तो ये 5 बार इसको रन कीजिएगा, तो देखिए यहां इसने 5 बार पेस्ट कर, तो 5 बार पेस्ट किया तो ये दिक्कत हो गया थोड़ा सा, लेकिन इसमें देखिए इसने गैप नहीं दिया, तो मुझे गैप चाहिए। तो यहां ऑफसेट में 1 के जगह पे हम 2 करेंगे तो गैप आएगा। अब इसको इसी कोड को, मतलब किसी पर्टिकुलर कोड को एक से ज्यादा बार अगर आपको रन करना है तो उसके लिए लूप इस्तेमाल होता है। यहां पे लिखा मैंने 4, आई इक्वल टू
वन टू हमने दिया फाइव और फिर यहां पे नेक्स्ट, मतलब कि इसके बीच में हमारे पास, इसके बीच में जो भी मैं फोर से लेके नेक्स्ट के बीच में जो भी आपका एक ए होगा कोड होगा उसको रिपीट कर देगा, जितना बार बोलेंगे उतना। अब इसमें आई क्या है इसको समझिए, आई इज ए वेरिएबल, क्या है, एक वेरिएबल है, जैसे कि हमने आपको पढ़ाया था वेरिएबल स्ट्रिंग इंटीजर, ऐसे यहाँ पे इंटीजर होता है। तो आई की जगह पे आप कुछ भी दे सकते हैं, एबीसीडी एक्स वाई जेड आपका नाम, आई से देते हैं कि आई फॉर इंटीजर, और हर जगह आई होता है, बुक से लेंगे हर जगह आई लिखा रहता है। लेकिन इसका बेनिफिट और क्या बेनिफिट है, चलिए इसके बारे में समझाता हूं। तो लूप का बेसिक आर्किटेक्चर समझ गए कि आप जितना रिपीट करेंगे उतना बार में आपका रिपीट होगा। अब लूप के एक बार स्ट्रक्चर को और समझ लें, लूप के अंदर में हमारे पास दो होते हैं, फोर एंड टू, और दोनों का दो पार्ट होता है, फोर आई इंटीजर जिसको हम एक पर्टिकुलर रेंज देते हैं कि 1 to 60 या 1 to 3 को भी है। दूसरा आपके पास होता है इंच, इंच के अंदर में क्या होता है कि इंच के अंदर में आपको ऑब्जेक्ट देना पड़ता है, जैसे कि सिलेक्शन या वर्कशीट वर्कबुक, इस तरह से पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट देना पड़ता है। और डू के अंदर में, डू का होता है दो, एक वाइल और एक आपका अंटिल, तो ये एक पर्टिकुलर कंडीशन पे चलता है कि भाई मुझे जब तक सेल में कलर हो तब तक चले, जब तक आपका सीट ओपन हो तब तक चले। तो इस तरह का कंडीशंस पे आप अगर लुक देना चाहते हो तो हमें डू के साथ वाइल अंटिल का इस्तेमाल होता है, स्टार्टिंग टू एंडिंग करना है तो फोर के साथ आई का इस्तेमाल होता है, और आपको किसी ऑब्जेक्ट का पे जितने शीट है उतने चले, जितने फाइल है उतने पे चले, तो उसके लिए हम फोर इच देते हैं। हेलो, हाँ बोलिए सर, आपने रिकॉर्डिंग शेयर नहीं करी क्या? रिकॉर्डिंग शेयर आप अलाउ, सॉरी अलाउ, अलाउ नहीं करी क्या रिकॉर्डिंग आपने? आप लास्ट नहीं, आपको रिकॉर्डिंग अलाउ कैसे हो सकती है, आप मोबाइल फोन से ज्वाइन किए ना। ओके ओके सर, ठीक है। नहीं सर, उससे भी कर रखा है, लैपटॉप से भी ज्वाइन कर रखा है मैंने। लैपटॉप से ज्वाइन कर रखा है, क्या नाम क्या है, किस नाम से? विकास पांचल। लास्ट में आए आप, लेट आए इसलिए। अब बात करते हैं, म्यूट कर लीजिए, अब बात करते हैं यहाँ पे कि कंडीशन के साथ कैसे इस्तेमाल करेंगे इसको। हमारे पास इस तरह के बहुत सारे नंबर्स हमने दिए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसमें चेक करना है कि कौन सा ग्रेटर देन 50 है। ग्रेटर देन 50 में हमें इस पे 500 रुपीज यहाँ इंसेंटिव देना है। इसके लिए हमने इफ फॉर्मूला एक्सेल में लगाते हैं, लेकिन वीवीए में क्या करेंगे, वीवीए माइक्रो के थ्रू। चलिए यहाँ पे सब्जेक्ट देंगे लूप कंडीशन वन, लूप विथ कंडीशन। अब यहाँ पे हमारा बना, तो यहाँ पे जैसे कि क्या है, रेंज ए वन है, यहाँ कंडीशन होगा कि इफ, लिखने का तरीका देख लीजिए, रेंज ए वन डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 देन रेंज बी वन डॉट वैल्यू इक्वल टू 500। तो इस तरह से कब लिखते हैं हम, इस तरह से हम लिखते हैं जब हमारे पास सिंगल कंडीशन या जरा एक डबल कंडीशन बट सिंगल रिजल्ट होता है, समझे। हमने दिया इफ रेंज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 देन, हमने बताया कि भाई हमारा ए लग गया इक्वल टू 50। बट प्रॉब्लम इज दैट कि अगर मैं इसको रन करता हूं तो सिर्फ एक सेल पे परफॉर्म कर रहा है, बी टू पे, लेकिन मुझे पूरा ओवरऑल डेटा चाहिए।
तो इसके इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे लूप का, फोर आई इक्वल टू चले टू टू, अब वन से क्यों नहीं स्टार्ट किया क्योंकि पहले में हेडिंग है, इसलिए हम दो से स्टार्ट कर रहे हैं, कहां तक तो 31 तक, टू 31, और फिर यहां हम कर देते हैं नेक्स्ट। लेकिन फिर भी तो A1 ही A1, इसी कोड को 31 बार रिपीट करेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले बार A1 को चेक करे, दूसरे बार में A2 को, तीसरे बार में A3 को। जैसे कि हमने बताया कि AI जो होता है एक काउंटर होता है, काउंटर मतलब एक काउंट करता है कि आखिर कितने नंबर ऑफ रो, मतलब लूपिंग जो है कितना बार चल चुका है, आपका लूप जो है कितना बार चल चुका है उसका काउंट देता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं इसको एक बार स्टेप इन्फो में रन करता हूं तो आपको समझ में आएगा, यहाँ डिवर्क के अंदर स्टेप इन्फो इसका शॉर्टकट एफेट है, इसको रन कीजिए एफेट। अब यहां देखिए I पे I इक्वल टू टू है, टू है, तो क्यों ना मैं I एक जब ब्रेवल है तो मैं इसका इस्तेमाल यहां कर सकता हूं, मैंने कॉन्कैटेनेट कर दिया I, तो A के साथ I जब कंबाइन होगा तो क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा, और ऑल्सो A के साथ हमारा यहां I कंबाइन होगा तो हो जाएगा B2, तो A2 की वैल्यू ग्रेटर देन 50 है तो B2 की वैल्यू इक्वल टू 500 हो जाए, और मैंने इसको एफर्ट से रन किया, नेक्स्ट चेक किया, अब देखिए कंडीशन मैच किया, इसने रिजल्ट दे लिया। अगर मैं इसको इधर साइड में करूं तो आप देखेंगे, एफर्ट करना है, हाँ एफेक्ट 500 आ गया। अब यहां पे आई का मान देखिए 4 है, तो यहां पे भी 4 हो गया, तो A4 बन गया। अब इसका देखिए ठीक है, समझ में आ रहा है आपको विश्वास जी एंड विकास जी? हाँ जी सर, आ रहा इसी तरह से हम करेंगे तो हमारा पूरा कर देंगे। सर यही काम अगर हमें डू लूप से कराना होता तो भी हो जाता? हाँ डू लूप से भी हो जाता, डू लूप के बारे में बताएंगे आगे, फिलहाल इसको नोट कीजिए। अब इसमें हमें पता नहीं ना कि कितना तक मतलब कि आपका लूप जो है कहाँ तक, क्या सर? आपको इसमें पता नहीं कि आपका वैल्यू कहां तक है, 31 की जगह कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, तो उस केस में हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे रेंज 65,000 xls up .row, ये आपका फुल्ली ऑटोमेटेड। अब बात करते हैं कि मेरे पास इसमें कंडीशन बढ़ा, मतलब कि मैं कहता हूं कि 85 टू 95 हुआ तो मैं यहां पे 800 देने वाला, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं इसी को आगे दोहराता हूं। इसमें हम करेंगे एंड फॉर्मूला इक्वल टू एंड और इक्वल टू एंड में मैंने यहां पे बोला कि लेस देन ग्रेटर देन, यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू हमने बोला 85 और एंड लगाया और दूसरी कंडीशन दे दिया कि इज लेस देन इक्वल टू 95, तो दो कंडीशन आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, इसे दो से ज्यादा है तो एंड 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 आगे तरफ लगा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दोनों कंडीशन रिक्वायर होनी चाहिए, एक मान के दो मान को नहीं होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो इसने अपना काम कर दिया।
लेकिन मैं कहता हूं यहाँ पे कि मान लीजिए एच कॉल, अब मेरे पास एच कॉलम में आ गया, एच कॉलम में मेरे पास डेट डले हुए, बहुत सारे डेट डले, और मुझे इसके सामने अपना वीक एंड शो करना है, ठीक है। सर एक क्वेश्चन था, ये जब आपने 85 टू 95 लिया, इसमें 800 हम वैल्यू चाहते थे, अब डाल दिया 800, मैं नहीं लिखना भूल गया, गलती तो हो जाए। नहीं सर, जैसे अगर 50, अगर 50 हो तो 500 आए, वो बता अगर 80, वन बाय वन देखते जाइए ना। अच्छा, अभी हम मल्टीपल कंडीशन बता रहे हैं। अच्छा, मल्टीपल रिजल्ट नहीं बताया मैंने। अच्छा, तो अभी मेरे पास कॉलन है, अब मैं चाहता हूँ कि जहां जहां सैटरडे एंड संडे हो वहां पे मुझे यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ पे हम लूप में एंड नहीं लगा सकते, क्योंकि एंड कहता है कि रिक्वायर है, मतलब कि जितना कंडीशन दोगे उतना कंडीशन मैच होना चाहिए। लेकिन एक ही सेल में सैटरडे या संडे होना पॉसिबल नहीं है, कि एक दिन खाए तो संडे होगा या सैटरडे होगा। तो इस केस में यहाँ पे हम लूप का इस्तेमाल, सॉरी और का इस्तेमाल करेंगे। और जैसे मैं यहाँ पे एंड की जगह, अब यहाँ पे आ गया कि ए की जगह पे मैं कर देता हूँ, क्या है हमारे पास एच, एच और टू से वन से स्टार्ट करता हूँ, और यहाँ पे एच, एच के साथ आई डॉट वैल्यू। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास डेट है, सैटरडे संडे कैसे आएगा? तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है टेक्स्ट का, वो क्या करता है, इस तरह से करेंगे तो सैटरडे संडे काउंट करके देता है। तो टेक्स्ट फॉर्मूला बन गया है फॉर्मेट। अब इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, तो मैं यहां पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूं कि डिम एस एज ए स्ट्रिंग, और फिर मैं यहां पे ऊपर में देता हूं कि एस इक्वल टू हाँ फॉर्मेट, और इसमें हमने दे दिया रेंज। और याद रखिएगा, जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करें उसको लूप से बाहर करें, तो फिर एरर देगा आपको। एच इसके साथ कंबाइन हुआ आई डॉट वैल्यू कॉमा डी डी डी, इसने क्या किया सैटरडे एंड संडे में कन्वर्ट कर दिया, सॉरी इन्वर्टर कॉमा छूट गया। अब यहां पे मैं इसको इस तरह से नहीं लिखूंगा, मैं सिंपल लिखूंगा कि s इक्वल टू, देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इसमें VVA में केस सेंसिटिव होता है कंडीशन, s इक्वल टू संडे, देन h की जगह पे j डॉट वीक है, ये आपका हो गया। और इस तरह से आपके दो या दो से ज्यादा कंडीशन हो तो इसका इस्तेमाल कर सकते। आ गया बीकंस लिखा हुआ। अब चलिए हम वापस आते हैं अपने इंसेंटिव आईडी वाले। अब मुझे यहां पे करना है, मैं इसको भूल जाता हूं फिलहाल, मैं बोलता हूं कि लेस देन 50 जो होगा उसमें मैं यहां पे 50 देना चाहता हूं या 100 देना चाहता हूं, मतलब 100 देना चाहता हूं। तो मेरे पास एक कंडीशन है लेकिन दो रिजल्ट्स। अब इसके लिए क्या कोड लिखेंगे देखिए, थ्री सर ये क्या बोले, बोलिए बोले क्या बोल रहे हैं, लूप वही रहेगा, कंडीशन यहां हो जाएगा इफ ग्रेटर देन 50, और यहां भी हम इसको डिलीट कर देते हैं, देन बी के साथ आई हो गया, और फिर यहां पे एल्स लगेगा, एल्स, और एल्स में हमारा, और यहां पे आए है। तो जब आपके पास मोर कंडीशन होता है तो फिर आपको तोड़ के यहां पे लिखना पड़ता है,
और यहाँ पे आप लिख दिया कि b1 डॉट वैल्यू इक्वल टू 500 एल्स आपने लिया। अब इसको रन करोगे तो जहां जहां नहीं था वहां उसने 100। तो जब आपके पास एल्स कंडीशन होगा तो फिर एल्स देखिए फिर आपको एंडिफ करना पड़ेगा या फिर आपके पास रिजल्ट ज्यादा होंगे। जैसे कि मैं चाहता हूं मेरे पास एक ही कंडीशन है, कंडीशन एक ही है कि भाई ग्रेटर देन 50 हो तो इसकी वैल्यू 500 करें ही करें, साथ में A1 का कलर रेड करें। तो उसके लिए मैं रेंज यहाँ पे A1 के साथ I डॉट वैल्यू, वैल्यू नहीं होगा इंटीरियर होगा ना मेरा, इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू वीवी रेड। तो मल्टीपल कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आपने पहले लूप को सीखा, लूप को सीखने के बाद आपने सिंगल कंडीशन, एक कंडीशन एक रिजल्ट, आपने देखा कि मल्टीपल कंडीशन में एंड का इस्तेमाल बट सिंगल रिजल्ट्स। फिर आपने देखा मल्टीपल कंडीशंस में और का इस्तेमाल बट सिंगल रिजल्ट्स। आपने देखा डबल रिजल्ट एल्स रिजल्ट, तो हमने उसके लिए यहाँ पे तोड़ा। अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि मल्टीपल कंडीशन के लिए एंड लगा सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन के लिए और भी लगा सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे हम दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ भी आपने देखा जब आपके पास सिंगल कंडीशन पर मल्टीपल रिजल्ट हो तो यहाँ पर कैसे इस्तेमाल। एक से बोल दीजिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास आता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन, जैसे कि मेरे पास यहां पे नेम है C3, यहां पे C4 करना पड़ेगा। मेरे पास यहां नेम है और यहां पे मेरे पास सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 एंड सब्जेक्ट 3 है और फिर यहां पे हमारा रिजल्ट शो करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि रिजल्ट में जो सारे सब्जेक्ट ग्रेटर देन 40 है तो पास आना चाहिए या फेल आना चाहिए। अगर जस्ट इतना ही बात है तो उसके लिए तो हम इफ के साथ एंड का इस्तेमाल कर लेंगे। सब्जेक्ट कंडीशन 1, यहां पे हमने जैसे कि बोला कि इफ रेंज b2 डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 एंड रेंज C2 dot value is greater than equal to 40 then यहाँ पे एक और कंडीशन लगेगा ना B2 पर and range D2 dot value is greater than equal to 40
than range कौन सा है ये सॉरी सर मेरी क्लास छूट गई कोई बात नहीं वैल्यू मैं सर सोच रहा था लिंक आप भेजोगे लिंक आ भी गया था मैं बैठा हुआ था बट मेरे को सर कोई बात नहीं पुराने वाले सब्जेक्ट पे सर लिंक आ गया था तो ग्रेटर देन 40 सॉरी यहाँ कंडीशन ही लगेगा ना देखिए बातों बातों में यहाँ कंडीशन लिखा दिया इक्वल टू पास और यहाँ पे हम कर देंगे एल्स else यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे मैं कर देता हूँ फेल और फिर करता हूँ यहाँ पे एंड ठीक है यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन का इस्तेमाल होगा पास के लिए बट मैं ये जानना मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि भाई कौन सा सब्जेक्ट फेल है सब्जेक्ट टू फेल है तो पहले सब्जेक्ट टू फेल यहाँ देंगे ठीक है एक तो है कि आपको किस सब्जेक्ट में फेल है वो देना है कोई एक सब्जेक्ट का फेल यहां दिखाना है राइट तो उस केस में क्या करें देखिए यहां पे अब यहां पे कंडीशन होगा कि इफ रेंज B2 B2 dot value is greater than equal to 40 than else यहां हो जाएगा हमारा range 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 यहां पे ये कर देते हैं result r equal to subject 1 fail ठीक है और यहां पे देते हैं end तो पहला हुआ कि अगर एफ अगर एफ लेस देन 40 हुआ तो सीधे फेल आर वन पे फेल डाल देगा ठीक है लेकिन नहीं ऐसा नहीं हुआ तो क्या हुआ तो यहां पे एक और इफ कंडीशन चलेगा कि इफ रेंज बी टू डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू greater than equal to forty than अगर ऐसा हुआ तो ठीक है अगर नहीं हुआ तो else चलेगा इस पे else और else में यहां हम दे देंगे ये जो हमने दिया हुआ है कि r इक्वल टू सब्जेक्ट टू फेल और फेल जितना if उतना end if होता है ठीक है ध्यान रखिए सर इसमें रेंज b2 ही रहेगी या c2 आ जाएगी हाँ c2 होगा माफ कीजिएगा फिर यहाँ पे हम देंगे फॉर्मूला यहाँ पे देंगे कंडीशन if का कि if रेंज C2 की जगह पे D2 dot value is greater than equal to 40 than R equal to subject 3 fail नहीं माफ कीजिए fail ये pass होगा ये pass होने की possibility एक ही बार है but fail होने की possibility तीन बार है आर नहीं हाँ हाँ सही है और आर इक्वल टू एस थ्री फेल
और फिर यहाँ पे एंड इफ, एंड इफ, और नीचे हम यहां करते हैं ये रेंज ई टू डॉट value equal to r. तो यहां पे देखिए आ गया स्टूडेंट, डिलीट क्यों रहा था सर, एक कुछ पूछना था। पूछिए सर, जैसे आपने S1 का नीचे डाला है, ये ऐसे चलता है जैसे हमारा if का फंक्शन उसमें चलता है GUI मोड में? हाँ। तो जो कंडीशन सबसे लास्ट की वो सबसे पहले बंद करनी पड़ेगी? हाँ, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे मान लीजिए कि दो सब्जेक्ट में फेल हुआ, तो दोनों सब्जेक्ट का नाम देना चाहिए। और दूसरा चीज है कि मेरे पास 10-12 सब्जेक्ट है, 10-12 कंडीशन लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्या करें इसके लिए। चलिए अब इसका सॉल्यूशन हम आपको बताते हैं। सब लूप सी, अब यहां पे हम देंगे यहां पे कंडीशन। अब देखिए आपके पास रोहन का नाम भी है बहुत सारे, नीरज, उदय, कविता, अब मैं यहाँ पे प्लान मीटिंग लगाया था, सबका देना है मुझे। और हमें कोडिंग भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिखनी है, सब्जेक्ट ज्यादा भी है, और जिस जिस सब्जेक्ट में फेल हुआ है उसका भी मुझे यहां देना है, समझ गया। तो कंडीशन होगा, यहाँ पहले लूप लगेगा, तो फोर आई इक्वल टू चले वन टू टू से वन नहीं टू करते हैं टू टू कितना फाइव, और आपको ऑटोमेट करने के लिए वही लगा लीजिए जो मैंने लगाया था एंड वाला मेथड। और फिर यहां पे देते हैं कि फोर जे इक्वल टू चले टू टू फोर दो तीन चार, ठीक है। और नेक्स्ट जे, इसको बंद कर देता हूं ताकि भूल ना जाओ, मैं बाद ही बंद कर सकता हूं लेकिन पहले बंद कर देता हूं ताकि भूल ना जाओ इसलिए, ठीक है। अब मुझे यहां पे क्या करना है, से यहां पे कंडीशन देना है कि इफ सेल्स, इसमें हमारा आई रो हो जाएगा और जे कॉलम हो जाएगा, डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 देन, आर यहां पे के इक्वल टू के प्लस वन, और के को मैं ऊपर इंटीजर मान लेता हूं, दिन के एज ए इंटीजर, और एक और है डिम आर एज ए स्ट्रिंग, दो मान लिया। ठीक है, और फिर यहां पे देता हूं एल्स, एल्स में मैं करता हूं कि आर यहां पे R इक्वल टू R के साथ कंबाइन, सॉरी R के साथ कंबाइन होगा कॉमा, और फिर इसके साथ लिखाएगा सब्जेक्ट और यहां पे J और स्पेस फेल, ठीक है, अलग अलग स्पेस देना होता है, और फिर यहां हो जाएगा एंड एंड। अब यहां पे एक और होगा कि इफ के इक्वल टू कितना है हमारा, थ्री है, थ्री देन आर इक्वल टू पास,
और फिर यहाँ पे एंड और फिर सेल्स आई कॉमा जे फिक्स है हमारा 2, 3, 4, 5 डॉट वैल्यू इक्वल टू आर ठीक है। मैं इसको रन करता हूं, समझ में आया? हेलो, यहां पे समझिए क्या है, हमने क्यों के लिया। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें पास तीन सब्जेक्ट पे पास होने भी देना है। यहाँ पे एक मिनट एक और दिक्कत आ गया, एक दिक्कत आ गया, माफ कीजिएगा, छोटी सी दिक्कत क्या है कि मुझे यहाँ पे के को खाली कर देना है, के इक्वल टू जीरो कर देना है। ठीक है, आपसे ये रिजल्ट आया। अब देखिए क्या होता है, हमने बोला है कि भाई ये हॉरिजॉन्टली मतलब कि रो वाइज दो बार चले, हर रो में ये तीन बार चले, तो 2 to 4 कर दिया, तो 2, 3, 4 चला, समझे? तो यहां पे आई हो गया रो के लिए एंड जे हो गया हमारा कॉलम के लिए। फिर हमने ये कंडीशन दिया कि इफ अगर ग्रेटर देन 40 है तो के पे एक वैल्यू स्टोर करो, तो हर कॉलम में चेक करेगा कि 40 से ज्यादा है तो के पे एक स्टोर कर दिया, 40 से ज्यादा है तो के पे स्टोर कर दिया, के में एक ऐड कर दिया। तो यहां पे के 0 था तो के इक्वल टू प्लस 1 होने पे के का मान 1 हो गया, फिर इसमें 2 हो गया और ए 0 था तो 2 गिरा गया। उसके बाद मैंने बोला कि अगर 40 नहीं है तो आर पे उसका सब्जेक्ट को कॉन्कटनेट कर दो, आर ही ब्लैंक है तो ब्लैंक के साथ S3 यहां पे देखिए S4 है ना, अच्छा एक माइनस करना पड़ेगा जे को, अब सही आएगा, S3 को कंबाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद नीचे आकर चेक करेगा कि अगर के का रिजल्ट इक्वल टू 3 है, के अगर के पे अगर 3 नंबर ऐड हुआ है, मतलब 3 बार अगर सेल्स को 40 से ज्यादा मिलेगा तो के पे 3 नंबर को ऐड करेगा, तो के मान 3 है, मतलब कि सारे सब्जेक्ट में ग्रेटर देन 40 थे तो ये पास हो गया। ठीक है, अदरवाइज अगर वो आर को भी यहाँ पे खाली करना पड़ेगा कि आर इक्वल टू हमने ब्लैंक कर दिया, नहीं तो आर के साथ इसका नहीं तो पास होगा, नहीं तो फिर आर जो है आर है, तो आर पे क्या वैल्यू होगी, खाए तो पास होगी, नहीं तो ए वैल्यू होगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। सर जो हमने यहाँ पे फॉर के लिए 2 to 5 कर रहे हैं रो के लिए अपना, इसमें अगर हमें पहले से पता हुआ 5 रो है तब तो ठीक है, अगर पहले से नहीं पता है कितने रो हैं तो मैंने आपको यार कितना आप लोग दिमाग से निकल जाता है, आपको क्या बोला था आपको कि अगर ऐसा हो तो इसका इस्तेमाल करिए ना आप इस मेथड का, एक क्वेश्चन पूछना था, ये आपने सेल लगाया इसकी जगह पर रेंज नहीं लगा सकते यहाँ पर? नहीं, रेंज लगा सकते क्योंकि मैं रो एंड कॉलम दोनों नंबर में, और अगर नंबर में नहीं होंगे तो रेंज लगानी होती है, जैसे कि हमने ऊपर नंबर हमारे पास एक अल्फाबेटिक था एक नंबर था, हमें पता था कि कॉलम ए है, हमें ये नहीं पता था कि इसका रो क्या है, तो हमने यहाँ पे आई के साथ मर्ज किया है ना ए के साथ आई को। सर कंफ्यूजन रहती है सेल्स को कहाँ लगाते हैं और रो को कहाँ लगाते हैं, सिंपल सी बात समझ लीजिए ना, आपके पास अगर रो एंड कॉलम है नंबर में तो सेल लगेगा, आपके पास कॉलम पता है नंबर नहीं भी पता है तो रेंज लग जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, अब चलिए अब नेस्टेड इफ की बात करते हैं, जैसे कि इसी में मुझे स्लैब इंसेंटिव देना है, स्लैब इंसेंटिव समझते हैं कि 0 to 40 हुआ तो मुझे यहाँ पे 500 देना है, 41 to 100 हुआ
सॉरी 41 टू 80 कर देता हूँ, 41 टू 80 हुआ तो मुझे इसमें 1000 देना है। 81 टू 100 हुआ तो यहाँ पे मुझे 2000, और यहाँ पे ग्रेटर देन 100 हुआ तो 5000 देना है। अब इसके लिए क्या लगेगा? अब इसके लिए लगेगा else if, क्या लगेगा? else if। चलिए दिखाता हूँ आपको, सब्जेक्ट लूप कंडीशन वन, यहाँ पे हमने दे दिया, यहाँ पे पहले देंगे dim s as a long या नंबर जो देना चाहे दे सकते हैं, और फिर सेम ऐसे ही वैसे दो वेरिएबल लॉन्ग के चाहिए तो s कॉमा r कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम लूप लगाएंगे कि फोर आई इक्वल टू चले टू टू रेंज ए 65000 एक्सलेश अप, समझ में आया सर? डॉट रो नेक्स्ट आई कंडीशन होगा एस इक्वल टू हमने कर दिया रेंज यहाँ पे ए क्योंकि वो कॉलम पता है मुझे, इसके साथ आई हमने लगा दिया कंबाइन करके इसकी वैल्यू। अब कंडीशन होगा कि इफ एस इज लेस देन इक्वल टू 40 देन आर इक्वल टू 500, नहीं तो एल्स के साथ इफ लगेगा और होगा कि एस लेस देन इक्वल टू 80 देन आर इक्वल टू 1000, फिर else if s is less than equal to 100 then r equal to 2000, else if s is greater than 100 then oops is pretty mistake hota hai r equal to 5000 and yahan pe and if aur fir range b is p ke sath i dot value equal to r, आया समझ में? इसको बोलते हैं else if, सर इसमें कितने तरह के if होते हैं सर? एक if ही है इसमें, एक होता है and if, एक होता है if else, एक होता है else if, एक होता है इफ एंड, एक होता है इफ एल्स और एक होता है एल्स इफ, इफ एल्स, तीन होते हैं मतलब कंडीशन के तौर पे। देखिए ये आपका ये जो था आपका ये इसी को मान लीजिए ना, ये आपका कहलाया एंड इफ, ठीक है, इफ से स्टार्ट हुआ और एंड इफ पे खत्म हो गया। अब ये जो आपका आया, ये आया आपको, इसको बोलते हैं इफ एल्स, इफ लगाया एल्स लगाया, ठीक है। और ए आपका नीचे वाला, ए नीचे वाला जो हुआ else if, कि आपने if लगाया एंड देन else if लगाया, समझ गए? जैसे आप इसमें करते हैं ना कि if के साथ if लगाया, इसको select किया less than 40 comma 500 और फिर आपने else part में एक और if लगा दिया, देखें ये कहलाया else if। और जो सर if end था वो हमारा सिंगल एफ हो गया, सिंगल एफ हो गया। इस एल्स और जो दूसरा इफ, इसमें हमें फॉल्स पार्ट देना है, ट्रू पार्ट एंड फॉल्स पार्ट दोनों देना है, मतलब कि एक ही कंडीशन है। और नेस्टेड इफ हो गया एक इफ के अंदर दूसरा इफ, जैसे कि ए इफ ऊपर में आप देखेंगे एक इफ के अंदर में एक एक इफ के अंदर में दूसरा इफ, नेस्टेड इफ का लगता है, ठीक है। मतलब चार तरीके से सर यहाँ पे वीबीए में इफ को यूज करेंगे। हाँ
लेकिन अगर आपके पास कॉम्प्लिकेटेड, जैसे आपने इसी को यूज किया, बिटवीन का यूज किया, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस है, तो उसके लिए हमारे पास एक और सॉल्यूशन है, क्या है, सेलेक्ट का, वही बताता हूं आपका, सेलेक्ट, सेलेक्ट केस, सर ऐसा हो सकता है कि हम इफ में जो कंडीशन दे रहे हैं वो कंडीशन जो हम पहले से सेल में पड़ी हुई है वहां से उठा ले, यहां पे लिखना ना पड़े, तो हम सेलेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। सर मैं ये कह रहा था जैसे कि हमारे एक्सेल के सेल में ऑलरेडी कोई लॉजिक लिखा हुआ है फॉर्मूले में या फिर किसी और फॉर्मेट में, हमारा वीबीए कोड वहां से वो कंडीशन कैच कर सकता है? नहीं, फॉर्मूला का लिखने का स्टाइल अलग होता है। तो यहाँ पे हमने 422 रेंज ई के साथ हमने कंबाइन कर दिया आई डॉट एंड एक्सेलस अप Thank you.
तो यहाँ पे हम देंगे सिलेक्ट का, यहाँ पे डिम यहाँ पे और नेक्स्ट आई, और यहाँ पे होगा वेरिएबल हमेशा लूप से बाद, लूप से पहले इस एज ए लॉन्ग, और यहाँ पे एस इक्वल टू रेंज ए के साथ आई का कंबाइन डॉट वैल, यहाँ पे होगा सिलेक्ट केस, केस किसके साथ, एस के साथ, तो केस इज लेस देन यहाँ पे 0 to 40, तो रिजल्ट आर इक्वल टू 500, केस 41 to 80 आर इक्वल टू 1000, केस 81 to 100 आर इक्वल टू 2000, R is greater than equal to 100. तो यहाँ पे केस होगा, यहाँ पे वेरिएबल देना ही नहीं है, केस देना होता है, केस R is greater, R नहीं, greater than equal to 100. इस तरह से भी दे सकते हैं आप, और एंड सेलेक्ट। तो जैसे कि इसमें आप मान लीजिए कि और भी देना है कि भाई कॉमा कॉमा एंड और देना चाहते हो तो कॉमा लगा सकते हो, तो ये थोड़ा से इसमें थोड़ा से कॉम्प्लिकेशन कम होती है, समझे? तो सेलेक्ट, हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं दोनों सर, दोनों में डिफरेंस क्या हुआ सर? मतलब दोनों में डिफरेंस कॉम्प्लिकेशन है, फॉर्मूला केस में रखे, जैसे कि हमने ऊपर ये दिया था रेंज के लिए दिया था कि ये दिया था हमने ना इसमें पास और फेल के लिए, तो आप यहाँ पे कॉमा कॉमा करके डाल सकते हो, तो क्लेस सेलेक्ट केस में आप कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला को डालोगे तो आपको आसानी से चलेगा, ठीक है ना? बार बार इफ और देन लगाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, नहीं बार बार आपको वेरिएबल्स लेने, इसको वेरिएबल्स को देने की जरूरत है। अब यहां पे मैं वेरिएबल्स ना भी इस्तेमाल करूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं यहां से इसको हटा दिया, मैं डायरेक्ट यहां इसको रख दूंगा, समझ गए? मैं वेरिएबल्स का टाइम तो बच गया, ठीक है सर? तो कंडीशन समझ में आ गया और लूप समझ में आपको आ गया। अब लूप को थोड़ा सा और एवलुएट करते हैं हम यहाँ पे। सर एक क्वेश्चन था, जो 4i का जो वेरिएबल का आपने लिया है, इसमें 2 to range a and i किया हुआ आपने, तो ये ही चलता रहेगा लूप 2 to? नहीं, 2 से इसने किया क्योंकि पहले में हेडिंग है हमारा, हम डेटा उठा रहे हैं ना, हम डेटा उठा रहे हैं और इस पे डाल भी रहे हैं, तो हम रो नंबर के अकॉर्डिंग चलना चाहते, लूप चलना चाहते हैं, तो हमारा 2 नंबर से डेटा स्टार्ट है, इसमें 2 नंबर डाला हुआ, ओके, समझे? हाँ जी, हाँ जी, कोई डाउट इसमें? नहीं सर। अब चलिए, अभी हो गया, अब लूप को सीट पे काम करके दिखाते हैं आपको, मैं इसको बंद करता हूं, मैं एक और फाइल खोलता हूं, देखिए मान लीजिए कि मुझे इस तरह का पिरामिड बनाना है, इस तरह का पिरामिड दिख रहा है, इस तरह का पिरामिड बनाना है, कैसे बनाना? चलिए इसी पे हमारा आज का सवाल है, इससे आपको लूप को अच्छा समझने में मौका मिलेगा। मतलब
कि हमें जो बनाना है पहला तीन चीज बनाना है, ये तीनों बनाना है। मैं जो कॉपी करके यहां रखता हूं, ठीक है, मतलब कि पहले सेल में एक स्टार होने चाहिए पहले रो में, दूसरे रो में दो दो सेल में स्टार होने चाहिए, तीसरे रो में तीन सेल पे होना चाहिए, चौथे रो में चार सेल पे होना चाहिए और पांचवे रो में पांच सेल होने। टोटल रो कितने हैं? पांच है। और कॉलम मैक्सिमम पांच है, वो हर सेल में अपना हर कॉलम मतलब कि कॉलम में अपना सेल में अपना वैल्यू चेंज कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, चलिए आपको बताते हैं। अब इसके लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला, यहां पे सब्जेक्ट आर आर तो है ही होगा, आर आर स्लैश वन कर देता हूं, यहां फॉर्मूला देता हूं कि फोर आई इक्वल टू चले वन टू फाइव नेक्स्ट, और फिर यहां पे हम इक्वल करते हैं जे, कि जे इक्वल टू चले वन टू आई, ठीक है। और हमने बोला सेल्स, सेल्स में हमने दिया आई रो जे कॉलम डॉट वैल्यू इक्वल टू, ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगा, सॉरी यहां पे जे हो गए, रन करूंगा तो आप देखिए ये बन के आ गया, लेकिन मुझे इसी को यहां से करना था तभी तो ए वाला यहां पे आएगा, यानी उसको उल्टा करना है, मान लीजिए मुझे उल्टा करना है कि ये इस तरह से बने, तो हम इसी कोड को कॉपी करके नीचे पेस्ट करेंगे और इसमें हमारा हो जाएगा सिक्स माइनस जे, हमने छह माइनस जे करके और इसको रन किया, तो यहां पे टू करना पड़ेगा, तो क्या हुआ इस तरह से बन गया। अब ऊपर वाली जो वैल्यू है इस वैल्यू को मुझे इस तरह से रन करना था, तो हम क्या करेंगे इसमें हम कर देंगे 5 प्लस, जब 5 प्लस हम करेंगे इसको तो फिर ये इधर से दे देगी, दे दिया पिरामिड बना दिया। तो दो अलग अलग मैक्रो ना लिख के मैं इसके लिए एक ही मैक्रो लिखूंगा, एक ही मैक्रो में हम दोनों को दोनों जो हमारा सेल वैल्यू है वो पेस्ट कर, आया सबको समझ में? सर ऐसे फ्लो हो रहा है थोड़ा, इसको समझाइए सर। समझ गया, वैल्यू कैसे बढ़ रही है, आई की वैल्यू टू हो रही है, थ्री हो रही है, कौन सा रॉकेट साइंस लगा हुआ है। और सर ये फाइव प्लस कराए ये भी बता दो, एक मिनट बात अभी छोड़िए, फाइव प्लस भूल जाइए अगर कंफ्यूजन है इसमें, तो देखिए हमने क्या किया हुआ है, फोर आई इक्वल टू पांच मतलब कि वो एक से पांच तक चला, ठीक है, और फिर हमने क्या किया 4j इक्वल टू i, तो अगर यहां पे मैं इसको स्टेप इन्फॉर्म करता हूं तो देखेंगे, स्टेप इन्फॉर्म करता हूं फिर से तो क्या हो गया, तो क्या हो रहा है, ये i का मान कितना है 1, तो j कितना चलेगा 1 से 1, यहां कितना हुआ वन, एक कितना है वन, तो वन वन मतलब कि इस पे जाके एक स्टार लिख देगा, लिख दिया स्टार लिख दिया ना, मैं इसको छोटा करता हूं, स्टार लिख दिया।
अब मैं वापस इफिट करता हूं, अब आई कितना है, टू है, तो जे कितना चलेगा, वन से लेके टू तक, ठीक है, वन से लेके टू तक चला। तो पहले में दिखा, अब यहां पे आई वन है और जे भी वन है, तो वन वन पे क्या हुआ, एक पहली सेल पे वैल्यू डल गई, लेकिन अब यहां पे जे जो है दो बार चलेगा क्योंकि आई का मान दो है, तो इसने दो बार चला और दो लिख दिया, अब बाहर निकल गया। अब आई चलेगा, आई का मान क्या है, तीन है, तीसरा बार आई चल रहा है, तो अब जे चलेगा तीन बार, तो जित जो सा रो है उतना ही कॉलम को चलाएगा, ठीक है। आप मंजूर, हेलो कदम कुंदन जी, कदम के पीर के आया समझ में सर आपको कि नहीं, हो गया। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमें यहां से नहीं लिखना है, हमें लिखना है यहां से, समझे, इसलिए मैंने यहां पे कर दिया फाइव प्लस कॉलम बढ़ा दिया, तो उससे क्या होगा कि यहां पे आप देखिए क्या होगा, ये जो रोल लिखा यहां से लिखना शुरू कर दिया, मंगाया, और यहां पे हमने माइनस कर दिया, तो इससे फायदा क्या हुआ, अब बात समझ में आ रही है आपको, सर ये माइनस का बता दो, ये माइनस जो है बस ये बता दो, उल्टा चलाना, माइनस किया हमने, ठीक है सर समझ आ गया। तो ये दो अलग अलग मैक्रो रन करने पड़ेंगे सर, समझ गए, अब समझ में आया, हाँ सर समझ तो आ गया, ये मैक्रो दो अलग अलग करने पड़ेंगे ना रन, नहीं जब आएंगे या एक साथ आना, दोनों का मैंने यहाँ इकट्ठा डाल दिया ना, देखिए, हाँ ठीक है सर, ठीक है, अब सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आया सर, एक डाउट था, कंफ्यूजन हो रही है, जब सर आपने जब जैसे दो लूप लगाए हैं फॉर आई फॉर जे, सर वो उस वाली वीबीए स्क्रीन में, सर जब ये आप फॉर आई इज इक्वल टू वन टू फाइव लिखा आपने, फिर फॉर जे इज इक्वल टू वन टू आई, तो जब हम सेल्स पे जाते हैं नीचे, तो आई पहले लेगा वन लेगा, हाँ, और जे लेगा वन, ठीक है, पहली साइकिल चल गई, फिर दूसरी साइकिल चलेगी आई ले लेगा टू और जे ले ले, जे भी ले लेगा टू, नहीं जे वन फिर जे टू, जे दो बार जाएगा फिर, अच्छा हाँ तभी क्योंकि ये समझ गया, वन टू आई है ना, आई टू होगा तो जे दो बार चलेगा, आई थ्री होगा तो जे तीन बार चलेगा, अच्छा 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 ये तो साइंस है इसका,
हाँ जी हाँ जी, वही थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी। हाँ, तभी हमने 1 to i लिया, नहीं तो हम 1 to 5 भी ले सकते थे। 1 to 5 लेते तो फिर 5 सब लिख देता, वो पिरामिड जैसा शेप नहीं बना पाता ना। हाँ, फिर एक शेप वो वर्टिकल आ जाता। रीजन था हमने यहाँ पे आई लिया हुआ। अब ये लूप का क्वेश्चन है, ये मोस्टली इंटरव्यू में पूछा जाता है। हाँ जी, समझ गया ना। तो अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन तो बता दिया, अब आप लोग क्या करें, इसको रेफरेंस में लेते हुए, मैं दोनों फाइल दे दूंगा, इसको रेफरेंस में लेते हुए इस तरह की आकृति बनाने की कोशिश करें। ठीक है आपको, ये पहले बार ऐसे उसको उल्टा कर दें, इसको भी उल्टा करें, इन दोनों पूरी पिरामिड को उल्टा करें, फिर एक ऊपर वाला पिरामिड और एक नीचे वाला पिरामिड, दोनों पिरामिड बना, और यहां पे मैं नाम लिखूं तो पहले नाम को इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे नाम के स्पेलिंग्स को। अगर एक बना लेते हैं जैसे, मतलब कि लूप, आप फोर लूप को अच्छी तरीके से समझ गए, समझ गए। ये फाइल्स मैं आप लोगों को भेज देता हूं, आप लोग इस पे काम करें और करके मुझे भेजें। सिर्फ फाइल और ये जो मेल पे आप भेजते हैं ना सारे कोड? हाँ, मैं फाइल के साथ कोड लगा हुआ है, फाइल के साथ ही कोड है, कोड ज्यादा है तो मेल पे नहीं जाएगी, फाइल के अंदर ही। ठीक है सर, दोनों में भेज देता हूँ। ठीक है सर, ये वीडियो सर मेगा ड्राइव में कब तक डाल देंगे सर? चली जाएगी थोड़ी देर में, ले लीजिएगा। मेगा ड्राइव में? मेगा ड्राइव में जाने में टाइम लगेगा, यूट्यूब पे भी चली जाएगी। और ठीक, ओके, बाय, ठीक है सर, थैंक यू, बाय सर।